इस कहानी के लेखक है संजय कामले। शायद खेल शुरू हो चुका है। सुनैना की बात सुनकर दबी आवाज में विवेक ने कहा, अब बिना वक्त गवाए हमारे पास जितनी भी मोमबत्तियां हैं वो सब जलाते हैं। ठीक है, जो कहा है उसमें से एक बात याद रखना, हमें कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि हमारी एक गलती हमें मौत के मुंह में ले जाने के लिए काफी है। सचिन की बातें सुनकर विवेक ने टॉर्च शुरू की और सुनैना के साथ नीचे वाले फ्लोर पर चलने लगा, तो सचिन और अतुल दबे पैरों से सीढ़ियां चढ़ते हुए बिना आवाज किए दूसरे फ्लोर की मंजिल पर चलने लगे। सभी बहुत ही सावधानी से काम कर रहे थे। निचले फ्लोर पर सुनैना पूरी सावधानी से कमरे के भीतर का जायजा लेती और दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर मोमबत्ती जलाकर उसे वहां रख देती। शर्त के मुताबिक बंगले के हर कोने में रोशनी करनी थी, और इसी बंगले में एक कमरा ऐसा भी था जहां राहुल की मौजूदगी होने का अंदेशा था, इसीलिए उन्हें कमरे में सिर्फ रोशनी ही नहीं करनी थी बल्कि उस पूरे कमरे की अच्छे से तफ्तीश कर राहुल को भी ढूंढना था। साथ ही अगर एक भी कोना अंधेरे में घिरा रहता है तो वे आत्माएं उनमें से हर एक को उसी घने अंधेरे में घसीट कर ले जाएंगी। एक एक कर रूम खोलते हुए वहां पर मोमबत्ती को लाइटर से जलाकर रख दिया। विवेक सिर्फ उसके साथ डरा सहमा सा चला रहा। दोनों चलते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि उनके कदमों की आवाज भी ना आए। वैसे ही दबे कदमों से सुनैना एक दरवाजे के पास रुकी। वह दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी विवेक ने कुछ आहट महसूस की। उसने हाथ के इशारे से सुनैना को दरवाजा खोलने से रोका। सुनैना ने गर्दन से ही इशारा करते हुए उसे पूछा, और विवेक ने अपने हाथों से उसे चुप रहते हुए कानों से दरवाजे की दूसरी तरफ से आने वाली आहट को महसूस करने को कहा। सुनैना ने डरी सहमी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। दोनों बिना हिले डुले बिल्कुल एक पुतले की तरह खड़े दरवाजे की तरफ देख रहे थे। डर के मारे सुनैना के दिल की धड़कन तेज हो गई। सांसें रोककर वो उस आहट को महसूस करने की कोशिश करने लगी, पर उसे तो कोई भी आवाज या कोई ऐसी आहट महसूस नहीं हो रही थी। उसने दोबारा गर्दन हिलाकर विवेक से सवाल किया, पर विवेक ने उसे वैसे ही चुपचाप बिना हिले खड़ा रहने के लिए हाथों से इशारा किया। विवेक की आंखों में बसा खौफ देखकर सुनैना समझ चुकी थी कि जरूर कुछ है। विवेक ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए सुनैना से बिल्कुल आवाज ना करने का इशारा किया। इधर सचिन और अतुल टॉर्च की रोशनी में एक एक रूम के अंदर जाते हुए पूरी सावधानी के साथ मोमबत्तियां जलाने लगे। वे दोनों भी इस बात का पूरा ख्याल रख रहे थे कि उनके कदमों की आवाज भी ना आए। एक कमरे के बाहर खड़े होकर उसके भीतर का जायजा लेते हुए सचिन ने उस कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। दरवाजा खोलते ही कमरे के भीतर से एक अजीब सी गंध उनके नाक के भीतर घुस गई। उस गंध से सचिन खांसने लगा। अगले ही पल उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और अपना मुंह ढक लिया ताकि खांसने की आवाज ना आए। सचिन दबे कदमों से दरवाजे के भीतर चला गया। उसके पीछे अतुल भी दबे कदमों से अंदर आया, पर अंदर पैर रखते ही उसे भी वही बदबू महसूस हुई। एक हाथ में टॉर्च ठीक से पकड़ते हुए उसने भी अपनी जेब से रुमाल निकाला और मुंह ढक लिया। सचिन ने कमरे के भीतर मोमबत्ती जलाकर एक जगह पर रख दी। तभी अतुल ने टॉर्च की रोशनी बाथरूम के दरवाजे पर डाली। अतुल का इशारा समझ के हां में सर हिलाते हुए सचिन बाथरूम की तरफ चलने लगा। दोनों की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। सचिन बाथरूम के दरवाजे के बाहर थोड़ा नजदीक खड़ा हुआ। दरवाजा खोलने से पहले भीतर कुछ आहट महसूस होती है या नहीं इसका जायजा लेने लगा। पीछे खड़ा अतुल भी अपनी सांसें रोककर सब कुछ देख रहा था। शांत, बिल्कुल शांत, इतना सन्नाटा कि हल्की से हल्की आवाज भी वह बिल्कुल साफ सुन सकते थे। अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी, मतलब साफ था कि अंदर कोई नहीं है या किसी भी तरह की कोई बुरी शक्ति अंदर मौजूद नहीं है। सचिन ने एक बार अतुल की ओर देखा। अतुल ने भी उसकी ओर देखते हुए हां में गर्दन हिलाई। वह अतुल का इशारा समझ गया। उसने भी हां में गर्दन हिलाई और दरवाजे की कुंडी को हाथ लगाया ही था कि तभी एक बेहद डरावनी आवाज सचिन ने बिल्कुल साफ साफ सुनी। बाथरूम के उस दरवाजे पर तेज धार वाली नुकीली चीज से हल्के हल्के खरोचने की आवाज वह धीमी सी आवाज सुनकर सचिन ने अतुल की ओर देखकर कानों की तरफ इशारा करते हुए आवाज के बारे में इशारा से ही पूछा। अतुल ने भी हां में गर्दन हिलाई, मतलब दोनों को वह आवाज सुनाई दे रही थी।
दोनों बिना आवाज किए बिल्कुल शांत अपनी सांसें रोककर एक ही जगह पर खड़े रहे और कुछ ही देर में वो आवाज आनी बंद हो गई। दोबारा से सब कुछ एकदम शांत हो गया। अतुल की तरफ देखते हुए सचिन दबे पांव से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दाएं हाथ से टॉर्च की सफेद रोशनी दरवाजे पर डालते हुए अपना बायां हाथ कुंडी की तरफ बढ़ाया ही था कि अंदर से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उस कमरे के भीतर फैले खौफनाक सन्नाटे के बीच दरवाजे पर हुई उस दस्तक ने कुछ पल के लिए ही सही पर दोनों की सांसें रोक दी। अतुल के दिल की तो धड़कन ही रुक गई। अपने डर पर काबू रखते हुए सचिन ने दरवाजे की कुंडी से धीरे से अपना हाथ हटाया। अतुल ने अपने एक हाथ से अपना मुंह दबा लिया। सचिन ने अतुल को शांत रहने का इशारा किया, बिना आवाज किए होठ हिलाते हुए कहा, राहुल हो सकता है। अतुल ने भी अपने डर के ऊपर काबू रखते हुए हां में गर्दन हिलाई और अपने पॉकेट से एक कोरा कागज निकाला। उस कागज पर नाम लिखने लगा, पर डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी हालत देखते हुए सचिन ने पेन और कागज अपने हाथ में लिए और उस पर अपना नाम लिखकर वो कागज और पेन दरवाजे से दूसरी तरफ सरकाया। दोनों दरवाजे से थोड़ा दूर हटकर डरी सहमी नजरों से दरवाजे के बीच रखे उस पेन और कागज पर टॉर्च की रोशनी डालने लगे। दोनों सांस रोककर सब कुछ देख रहे थे। एक गहरा जानलेवा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। दोनों को अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। उनकी नजरें दरवाजे पर गड़ी हुई थी कि तभी अंदर से दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। वह दस्तक सुनकर अतुल की रूह कांप गई। उसका थर थर कांपता शरीर डरी सहमी नजर उसके दिल में छुपे डर जाहिर कर रही थी। सचिन ने इशारे से ही उसे अपने ऊपर काबू रखने के लिए कहा। दरवाजे के नीचे रखे हुए उस पेन से बंधे धागे का एक सिरा सचिन के हाथ में था, जिससे सचिन उस पेन को धीरे धीरे बाहर की ओर खींचने लगा। अतुल ने टॉर्च की रोशनी पेन के ऊपर डाली ही थी। सचिन अब पेन उठाने के लिए नीचे झुका ही था कि तभी अतुल ने हाथ में पकड़ी टॉर्च अचानक बंद होने लगी। काला घना अंधेरा पूरे कमरे में फैल गया और तभी मुंह से दर्दनाक चीख निकली। उसने जैसे तैसे एक हाथ से अपना मुंह दबा लिया और दोबारा टॉर्च जलने लगी। अतुल ने सचिन की ओर देखा। सचिन दर्द से कराह रहा था। उसने अपना हाथ टॉर्च की रोशनी में लिया और वो नजारा देखकर अतुल की रूह कांप गई। वह पेन सचिन के हाथ में घुसकर दूसरी तरफ से बाहर निकला था। सचिन ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और रुमाल को मरोड़कर अपने मुंह में घुसा लिया। डरी सहमी आंखों से अतुल ये सब सिर्फ देख रहा था। सचिन ने दाएं हाथ से पेन पकड़ा और उसे अपने हाथ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। उसे काफी दर्द हो रहा था। हाथ से टपकने वाली खून की बूंदें अब नीचे जमीन पर गिरने लगी। सचिन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक ही झटके में हाथ में घुसे उस पेन को बाहर निकाल दिया। पेन बाहर निकलते ही जैसे लाल गाढ़े खून की धारा ही हाथ से निकलने लगी। उसने अपना मुंह से रुमाल निकाला और अतुल के हाथ में देकर जख्म पर बांधने का इशारा किया। टॉर्च की सफेद रोशनी में सचिन के हाथ से निकलने वाला खून बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। जैसे तैसे अतुल ने कांपते हुए सचिन के हाथ को रुमाल से बांधा और फिर एक बार बाथरूम के अंदर से एक बार जोरदार दस्तक हुई। सचिन ने उसे इशारे से ही चुप रहने के लिए कहा। अपने एक हाथ से मुंह दबाते हुए अतुल ने भी हां में गर्दन हिलाई। सचिन ने उसे पीछे हटने का इशारा किया और अतुल भी एक एक कदम पीछे की ओर चलने लगा। दोनों बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास खड़े होकर उस बाथरूम के दरवाजे पर टॉर्च की रोशनी डालने लगे। नीचे जमीन पर काफी खून फैला था। दोबारा से उन्हें वही दस्तक सुनाई दी। मतलब साफ था कोई दरवाजे के उस पार है। अतुल ने अपनी दबी आवाज में सचिन से कहा, सचिन ये काफी डरावना है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। उसकी आवाज में डर था, खौफ था, एक अजीब सी दहशत थी। पर उसका हौसला बढ़ाते हुए सचिन ने दबी हुई आवाज में कहा, हम सब यहां खुशी से या मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा दोस्त राहुल लापता हो चुका है और हमें उसकी तलाश करनी होगी। उसे ढूंढे बगैर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, हम में से कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। डरा सहमा अतुल दरवाजे की ओर देखने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए दोबारा सचिन ने कहा, मैं दिल से कह रहा हूं,
अगर तुम्हें सच में डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो, हम सब संभाल लेंगे और कोई तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा या डरपोक नहीं कहेगा, क्योंकि डर तो मुझे भी तुमसे ज्यादा लग रहा है। सचिन की बातें सुनकर अतुल के दिल में बसा डर कम हो गया। अब यहां से एक साथ ही बाहर निकलेंगे। अतुल का आत्मविश्वास देखकर सचिन को अच्छा लगा। अब तक बाथरूम के दरवाजे के भीतर से आने वाली दस्तक रुक चुकी थी। सचिन टॉर्च आगे करते हुए दरवाजे की तरफ चलने लगा। उसके पीछे अतुल भी एक एक कदम बढ़ाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचते ही दोबारा से अंदर से आने वाली आहट को महसूस करने की कोशिश की, पर अब कोई भी आवाज कोई भी आहट महसूस नहीं हो रही थी। सचिन ने अपना हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाया ही था कि अतुल ने उसे रोका। अतुल ने अपना हाथ दरवाजे की कुंडी पर रख दिया और धीरे से कुंडी सरकाई। कुंडी सरकाने की वो आवाज उस वीरान सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही तेज आ रही थी। दोनों की सांसें थम चुकी थी। अतुल ने धीरे से दरवाजा अंदर की ओर खोला और सचिन ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। बड़ा ही आलीशान बाथरूम था, पर अंदर कोई नहीं था। बस एक जगह आधी जली मोमबत्ती पड़ी थी। दरवाजा खुला रखकर एक मोमबत्ती अंदर जलाकर दोनों उस रूम से बाहर निकलने लगे। इधर सुनैना और विवेक दोनों उस कमरे के बाहर अभी भी खड़े होकर अंदर से आने वाली आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे थे। विवेक, मुझे अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सुनैना, मैंने इस दरवाजे पर हुई दस्तक साफ साफ सुनी है, इसलिए इस कमरे को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद वापस आकर यहाँ पर मोमबत्ती जलाएंगे। सुनैना ने विवेक की बात मानते हुए दरवाजे के कुंडी के पास गया अपना हाथ पीछे लिया ही था कि अंदर से सचमुच किसी ने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक इतनी तेज आवाज हुई कि मानो कोई दरवाजा पीट पीट कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। सुनैना उस दरवाजे की तरफ दहशत भरी नजरों से देखते हुए एक झटके से दो तीन कदम पीछे हट गई। साथ ही विवेक भी उस दरवाजे से दूर चला गया। दस्तक दोनों ने साफ साफ सुनी थी। दोनों उस कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे की ओर दबे कदमों से चलने लगे। दूसरा कमरा पास में ही था। सुनैना ने अपना मोबाइल पॉकेट पर लगे कैमरे से कनेक्ट किया। वह ठीक से काम कर रहा था। दोनों दबे कदमों से चलते हुए अगले कमरे के पास आ गए। एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। टॉर्च की रोशनी विवेक ने दरवाजे पर डाली। विवेक की ओर देखते हुए सुनैना दरवाजे के पास अपनी गर्दन ले गई। अपनी सांसें रोककर वह दरवाजे के दूसरी तरफ कोई आहट सुनाई देती है क्या, इसका जायजा लेने लगी। पर किसी भी तरह की कोई आवाज दूसरी तरफ से नहीं आ रही थी। सुनैना ने विवेक की तरफ देखते हुए गर्दन से ही इशारा किया और विवेक ने भी हाँ में जवाब दिया। सुनैना ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ाए। अपना दूसरा हाथ दरवाजे के ऊपर धीरे से रखते हुए कुंडी सरकाने लगी, पर कुंडी सरकाने की आवाज की वजह से वह काफी घबरा रही थी। जितनी आहिस्ता से हो सके वह कुंडी निकाल रही थी। उस आवाज की वजह से विवेक भी उसे इशारे से धीरे धीरे काम करने की सलाह दे रहा था। कुंडी निकल गई। सुनैना ने आहिस्ता से दरवाजा खोला, पर एक चमगादड़ जैसी चील उड़ते हुए विवेक के आंखों के पास से गई। विवेक का ध्यान हट गया। अपने हाथ में ली हुई टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाते हुए उस पंछी को देखने लगा, पर वो चमगादड़ अंधेरे में कहीं गायब हो गया। थोड़ा गुस्से से बड़बड़ाते हुए उसने दोबारा टॉर्च की रोशनी सुनैना की तरफ डाली और दंग रह गया। सुनैना उस दरवाजे के पास नहीं थी, और अजीब बात यह थी कि जिस दरवाजे को सुनैना ने खोला था वह दरवाजा बंद था। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डालनी शुरू की, पर उसे सुनैना कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अपने आसपास फैले काले अंधेरे में हर कमरे के ऊपर टॉर्च की रोशनी डालते हुए वह डरी सहमी आंखों से देखे जा रहा था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।